छिंदवाड़ा के मोहगांव जलाशय में विस्थापित किसानों द्वारा अनियमितताओं को लेकर प्रशासन की 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। मोहगांव जलाशय के विस्थापितों को लेकर की जा रही अनियमितताओं को लेकर किसानों में भारी आक्रोश देखने मिला। ज्ञापन देने के बाद किसान कलेक्ट्रेट के सामने ही धरने पर बैठ गए। छिंदवाड़ा की बहुउद्देशीय परियोजना मोहगांव जलाशय को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। आज सभी विस्थापित किसानों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और बताया कि उनको नए भू अर्जन अधिनियम 2014 के अनुसार 2 गुना मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है एवं नगरीय क्षेत्र के समीप होने के कारण मुआवजे का निर्धारण नगरीय क्षेत्र की गाइडलाइन के अनुसार भी मुआवजा नहीं दिया गया। साथ ही अनेक किसानों की सिंचित भूमि असिंचित बनाकर मुआवजे की राशि दी जा रही है जो न्याय संगत नहीं है। किसानों की दूसरी परिसंपत्तियों आदि का आकलन भी नहीं किया गया। विस्थापन में अनियमितता हो रही है। डूब क्षेत्र के किसानों की जमीन को छोड़ दिया गया है। बहुत से किसानों को आधी अधूरी जमीन का मुआवजा मिला है जबकि बाकी की जमीन जलाशय के कारण पूर्णतया बेकार हो गई है। इसके अतिरिक्त विस्थापन स्थल तक पहुंचने के लिए कोई मार्ग भी स्वीकृत नहीं किया गया। प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा मुआवजे के संबंध में प्रशासन पर भेदभाव एवं अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। जी, हम मोहगांव जलाशय पीड़ित किसान ग्राम नंदेवानी मुंगनापार और घुम्मा और आसपास के 5-7 गांव के किसान सभी मिलकर आए हैं। हम लोग की मुख्य समस्या सर, नए भू अर्जन अधिनियम के हिसाब से हमको मुआवजा नहीं मिला। इसके लिए पिछले 6 साल से हम प्रयासरत हैं। शासन प्रशासन के सभी जगह हमने गुहार लगाई, सभी जगह ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर पिछले साल हमने 19 जनवरी 2020 को निर्माण कार्य रोका। निर्माण कार्य रोकने के बाद में शासन प्रशासन की ओर से हमें एक शांति समिति की बैठक बुलाई गई और उसमें हमारे से चर्चा किया गया, जिसमें हमें कहा गया कि भाई हम पुनर्संरक्षण कराकर सारी चीज़ों को ऐड करेंगे। हमने 11 सूत्री मांग दिया, उसके आधार पर हमारे साथ चर्चा हुई। जब हमारी परिसंपत्ति की गणना का कार्य चालू हुआ, उसके बाद आज तक के अवार्ड में कन्वर्ट नहीं हो पाए, जबकि 1.5 साल हो चुके हैं। इसके पहले इसी जलाशय का जो भू अर्जन हुआ है उसमें मात्र 3 महीने के अंदर सर्वे भी हो गया और अवार्ड भी पारित हो गया, किसानों को खेत से हटाकर उनकी जमीन अधिग्रहित भी कर ली गई। BCN न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से चंद्रशेखर शक्रावार की रिपोर्ट।